Hello and welcome to our assembly election special as we count down to the assembly polls in the five states. I'm your host, Frank Razan Pereira. Our reporters are present in every state that's going to the polls, and with their help and with the help of the guests in our studio, we will bring you an in-depth coverage from all five states. With me is my colleague, Kavindra Sachan. So, let's start with headlines. छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज. बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कई रैलियां. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरबा और कबीरधाम में जनसभा को किया संबोधित. दोनों दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप. छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के प्रचार के बीच आरएसटीवी की टीम ने रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय मुद्दों की पड़ताल. सुरक्षा और शिक्षा पर महिला मतदाताओं से जानी राय. मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान के लिए नाम वापसी का काम पूरा. चुनाव आयोग की टीम ने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन 33 जिलों में की चुनाव तैयारियों की समीक्षा. अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल का निर्देश. तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे सभी दल. कांग्रेस की 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी. पार्टी ने अब तक कुल 75 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान. राजस्थान में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दल. बाड़मेर के आठी गांव में दशकों बाद पहुंची बिजली. मतदाताओं को अगली सरकार से बुनियादी सुविधाओं में सुधार की है उम्मीद. और चुनावी खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब तेज हो चला है और इस दौर में राज्य की विधानसभा की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं की. बीजेपी प्रदेश में चौथी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिलासपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने पहले दौर में शानदार मतदान के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद भी दिया और बीजेपी की ओर से प्रदेश और गरीबों के हित में किए कामों की चर्चा की. गरीब के परिवार में भी शौचालय बनने चाहिए, केवल अमीरों के परिवार में ही शौचालय नहीं होने चाहिए. गरीब परिवार के माताओं बहनों की इज्जत और अहमत होती. इस हिंदुस्तान में चिंता करने वाली पहली सरकार यदि कोई आई है तो मोदी जी के नेतृत्व में पहले भाइयों हम लोगों की सरकार आई. ये लोग तो यह नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बन जाए, उत्तराखंड अलग से राज्य बन जाए, झारखंड अलग से राज्य बन जाए. लोग नहीं चाहते. लोग कहते थे छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे, संसाधन कहां से आएगा, यह तो ऐसे ही गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, और गरीब हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले धमतरी में चुनावी रैली को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने रायगढ़ में भी चुनावी रैली संबोधित की. रैली में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान राज्य और इसके लोगों की अनदेखी का कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया. छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को विरासत में कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया. मित्रों, कांग्रेस की इस अराजकतापूर्ण, विभाजनकारी और अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देने की इस दुरभिसंधि को पूरी तरह समाप्त करने के लिए
लोकतंत्र में एक अवसर 5 वर्ष में हम सबके सामने आता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और दूसरे दिन वो आज कोरबा, कबीरधाम, बिलासपुर और दुर्ग में उन्होंने जनसभाएं की। उन्होंने आज कोरबा के कटखोरा में अपनी पहली रैली में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से जमीन छीनी जाती है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता और जमीन छीनने के बाद भी उद्योग नहीं लगते हैं और फिर भी उनकी जमीन वापस नहीं दी जाती। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां से प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर को जिताने की अपील की। आज छत्तीसगढ़ में बिना आपसे पूछे, बिना किसानों से, आदिवासियों से, गरीब लोगों से पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती है और जब आपकी जमीन पर उद्योग नहीं लगता, 5 साल के अंदर उद्योग नहीं लगता, तब भी आपको आपकी ही जमीन वापस नहीं मिलती और आपको सही कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आने वाली है तो मैं आपको यहां से आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही जमीनी अधिग्रहण बिल छत्तीसगढ़ में हम लागू कर देंगे। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के मतदान के अंतिम आंकड़े आ चुके हैं और इसके मुताबिक लोगों ने पहले दौर में रिकॉर्ड मतदान किया है। 18 सीटों के लिए 12 नवंबर को हुए मतदान में 76.28% मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 0.35% अधिक है। 2013 विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 75.93% वोट पड़े थे। नक्सलियों की धमकी को दरकिनार करते हुए लोगों ने इस बार अधिक मतदान किया। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में दूसरे दौर में 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है, बड़े नेताओं की रैलियां चल रही हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचानन मिश्रा, हमारे संवाददाता। पंचानन, हमने सुना राहुल गांधी को और वहीं पर राजनाथ सिंह और जो भी नेता उस इलाके में इस वक्त रैलियां कर रहा है, कमोबेश ऐसा लगता है कि विकास और साथ ही साथ जो जमीन का मुद्दा है, अधिग्रहण का, ये बड़े मुद्दे क्या इस बार चुनाव में है दूसरे दौर के लिए? बिल्कुल, ये मुद्दे हैं और देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से ये मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। और जहां तक रहा आपने कहा कि जमीन अधिग्रहण का मुद्दा, तो जैसा कि हमने इस रायपुर से आप बाहर निकलेंगे, जो नया रायपुर जो एक जगह बनाई गई है जहां पर मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर विधानसभा नई बन रही है, वहां पर गाँव की जमीनों को अधिग्रहण किया गया था और आज हमने उस इलाकों का दौरा भी किया तो वहां पर किसानों का यह कहना था कि जमीन उनसे जो ली गई उसकी जो कीमत है, वाजिब कीमत, उनको नहीं दी गई। कई किसान संतुष्ट थे लेकिन कई किसान असंतुष्ट थे, तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ने की बात कह रही है, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से आप बात करें तो उनका यही कहना है कि वो रमन सिंह का चेहरा है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और विकास का मुद्दा है। इन तीन मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 15 सालों में विकास किया गया है, उसी को सस्टेन करने के लिए आगे कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन जो एक बात कही जा रही है कि अगर जो एक तीसरा फैक्टर इस बार आ गया, क्योंकि आपको पता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 1% का फर्क था वोटिंग परसेंटेज में, और इस बार जो तीसरा फैक्टर है वो अजीत जोगी और इधर बीएसपी का जो मिलकर आया है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुकाबलों में, इस पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव को त्रिकोणीय बना सकता है। तो इसकी चर्चा यहाँ छत्तीसगढ़ में जरूर है कि क्या जब यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति जो ये 239 सीटें इसमें आती हैं 90 में से, तो क्या ये एक नया फैक्टर यहां पर बन सकता है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए या फिर अजीत जोगी को फायदा उसका हो। तो इन सब समीकरणों को देखकर मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। कवीन पंजाबन, आपने चेहरों की बात की और क्या रमन सिंह के मुकाबले जो विपक्ष के पास यानी कि कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा चेहरा दिखता है और जिन सीटों पर अब मतदान होना है यहां पर मुद्दे ज्यादा बड़े दिखते हैं या फिर कहीं चेहरों की छाया उन्हें ढकती नजर आती है?
देखिए, जहां तक अगर बीजेपी की बात करें तो चेहरा तो बिल्कुल साफ है, 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह हैं, उन्हीं चेहरे पे जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के पास ये जरूर है कि वैसी लीडरशिप अब नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा है कि पिछला जब यहाँ पर जो सुकमा दरभा घाटी में जो एक हमला हुआ था उसमें एक लीडरशिप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेश बघेल, उनको ही माना जा रहा है कि वो कांग्रेस चेहरा बनाकर पेश कर सकती है। हालांकि कोई प्रोजेक्शन अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की कोशिश जरूर है कि यहाँ पर जो 15 सालों का जो बीजेपी का शासन है उसके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाया जाए, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी जरूर है कि इन 15 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो सबसे प्रमुख बात कही है वो ये कि आते ही 11 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ये अपने आप में इसको कहिए एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस बनाकर उसको पेश कर रही है, और इसी के सहारे वो चुनाव के मैदान में उतर रही है, तो देखना होगा कि कितना असर इसका होता है। शुक्रिया पंचरण आपका वहां से ताजा अपडेट देने के लिए। फ्रैंक, बहुत अहम है कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कि किसानों को 11 दिन के अंदर कर्ज माफी, ये कितना काम करेगा देखना होगा। एंड वी विल नो इन जस्ट अ फ्यू डेज टाइम ऑफ कोर्स व्हेन द सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शंस ऑफ कोर्स टेक प्लेस देयर इन द सेकंड फेज इन छत्तीसगढ़। मूविंग ऑन नाउ ऑफ कोर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ फ्रॉम सेंट्रल इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट वेयर द टाइम फॉर विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस इन मिजोरम इज ओवर। Earlier, nomination papers of all 204 candidates for election to the 40-member Mizoram Legislative Assembly were found to be in order and accepted. Now, 8 candidates, including Chief Minister Lal Thanavala and Zoram People's Movement Chief Ministerial Candidate Lal Duhoma, have filed their nominations from 2 seats each. The scrutiny of all 212 nomination papers was conducted on Monday. Mizoram is set to go to polls on November 28th. The result will be announced on December 11th. The state has 40 assembly seats with an estimated 7.6 lakh registered voters. The Congress has been in power in Mizoram since 2008. Moving on to other news now, our focus today on battleground is poll-bound Rajasthan, where some districts got electrified as recently as 4 months ago. Our special focus in remote village in Barmer district, where 40 houses are just getting used to electricity. ...28-year-old Shanti Devi is a proud owner of a mobile phone for the last 3 years, but it was of little use to her until recently. That's because till recently, Shanti's village was not connected with the electricity grid, which meant being able to charge the phone only while visiting relatives in nearby villages. However, things changed 4 months ago when Aati village in Rajasthan's Barmer district was finally electrified under the center's Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Phone charging karo, light aave to koi na badhaye, pankha chalao, hang chalao, light aave to hang hook ve, light tar to koi. Aur ghar ka kaam bijli. Ghar ka kaam bijli koi koi tukdo humra seena machine start kar dar dar seera. The village, situated in the heart of India's Thar Desert, is home to 40 families. It lacks other basic facilities too, like a proper road that would provide connectivity. But the recent electrification has brought some relief to the people of the village. पहले लोग अंधेरे में रहते थे, कोई लाइट की सुविधा थी नहीं। जैसे लोग पढ़ते थे तो बोलते केरोसिन की वजह से पढ़ते थे। अभी लाइट आने की वजह से अभी बच्चे जागरूक हो गए, पढ़ने लग गए, बच्चे सब पढ़ गए। चक्की वक्की अब सरकिया की फ्रिज की पानी की व्यवस्था है, पंखा मंखा है। लोकल बीजेपी लीडर्स रिटरेट दैट द मेन एम ऑफ देयर पार्टी इज डेवलपमेंट एंड दे आर सीकिंग वोट्स बेस्ड ऑन द वर्क दे हैव डन। हमारा ये फोकस रहेगा जिनको लाभ मिला है, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, उस मतदाता तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें एहसास दिलाए कि ये जो लाभ मिला है ये हमारी सरकार की बदौलत मिला है। The Congress, however, claims that the BJP has barely managed to finish projects that were initiated by them. Refinery का जो सपना था कांग्रेस गवर्नमेंट का था, कांग्रेस गवर्नमेंट उसको शुरू कर चुकी थी, उन्होंने रोका काम को कि ये जो आपस में MOU हुआ वो सही नहीं हुआ है, लेकिन MOU के ऊपर वापस उन्होंने चेक करने के लिए 5-4 साल अटका के रखा, लास्ट में प्रधानमंत्री से आकर के उसी योजना का वापिस शिलान्यास करने के काम किया, हमने ऐतराज किया।
At a time when every vote counts, candidates are busy wooing voters of this remote village which borders Pakistan, but it remains to be seen which way the vote will swing. Ravindra Singh Shoran's report for Rajya Sabha TV. Meanwhile, the Congress has released a list of 10 candidates for the upcoming Telangana Legislative Assembly elections. This is the second list for the party after its first list of 65 candidates. The 119-member assembly votes on December 7th. Staying on with news from Telangana now, Warangal, the second largest city of the state, is vying for international recognition as a World Heritage City by UNESCO. Here, promotion of tourism has become a major poll issue. Our correspondent Kriti Mishra, who was in Warangal during the Vote Yatra, brings you this report. Burials, to hidden caves, to beautiful lakes, to architecturally rich temples. Yes, get ready for a visual delight in this edition of RSTV Vote Yatra. Interestingly, promotion of tourism is a major poll issue in Warangal. As I drive around to get the pulse of the electorate, I'll get you the finest forms of Indian architecture embedded in the ruins of this once illustrious empire. Let's go. Warangal, the second largest city in Telangana, has been identified as a spiritual and religious destination, and several theme-based tourism circuits will soon be developed to promote the Kakatiya style of architecture and sculpture. So now we've reached the iconic Thousand Pillar Temple in Warangal, and as we move along, let's explore the architectural marvel of the Kakatiya dynasty. Come along. So I can spot some young Warangalites here. Let's find out, let's talk to them. What is their mood? Let's capture that. So how important is tourism for them? If tourism will be developed, then city also developing. And that's why we have so many jobs and so many opportunities here. If tourism will develop, we have more opportunities to jobs. Clearly, the youth is saying that if tourism is developed here around Warangal, they'll get more jobs, they'll get more opportunities. We have to move forward to improve the living conditions of the common man. By enhancing the tourism potential, you know, you have a lot of opportunities for these young boys and girls who are roaming here and there. Warangal is covered under the Hriday scheme that supports the development of core heritage-linked civic infrastructure projects. It is among the 12 heritage cities in the country chosen for holistic development under the Hriday pilot project at an estimated cost of 40 crore rupees. Non-performance of the state government, and because of some political interest, the expectations of the people are not met. Meanwhile, the TRS and Congress-led Mahakotami have also made promotion of tourism in Warangal their principal poll pack. Tourism ka board laga hai to central bhi funds hai, udhar state ka funds dono milke tourism board laga hai to acha chalta. Ek tourist wala idhar aa gaya to 5 aadmi ki employment aata. BJP TRS government aaya jab se ek एक पैर भी आज तक सामने बढ़े नहीं। India is expected to establish itself as the third largest travel and tourism economy by 2028, and tourism, which can create direct and indirect employment, has become a major poll issue in Warangal region. Warangal has been bagging the National Tourism Award for quite some time now, but it is important to exploit the full potential of tourism that will open new vistas for the youth of Warangal. Reporting for RSTV Vote Yatra with cameraperson Jitendra Negi, I'm Kriti Mishra. तो वारंगल में आपने देखा कि टूरिज्म एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या बना है, और इसको लेकर मतदाता क्या दलों से जवाब मांगेगा ये वक्त बताएगा. लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां पर दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है, राज्यसभा की टीम स्थानीय मुद्दों की पड़ताल करने राजधानी रायपुर पहुंची.
शहर की रायपुर नॉर्थ सीट के तहत आने वाले मरीन ड्राइव इलाके में महिलाओं से हमारी टीम ने बात की और समझने की कोशिश की कि इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटर ज्यादा मुखर है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर की ये वो जगह है, इसको मरीन ड्राइव इसको नाम दिया जाता है और यहाँ पर कई महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो कि आने वाली 20 तारीख को वोट डालेंगी। तो उन लोगों का क्या मत है, क्या सोचती हैं राजनीति के बारे में, चुनाव में उनका किस हिसाब से वोट डालती हैं, क्या मुद्दे रहते हैं, आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव। अंजलि जी, क्या आप सोचती हैं कैसे किस मुद्दे पे वोट डालें? मेरा ये है कि लेडीज को थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए और लड़कियां जो हैं हमारे इधर की क्या कहीं की भी लड़कियां, उनको सेफ्टी पॉइंट व्यू से उनके साथ थोड़ा गलत हो रहा है। लड़कियां कहीं रात को बाहर नहीं जा सकती, लड़कियों के पीछे कोई भी आगे पीछे कुछ भी बोल रहा है, लड़कियां कुछ भी मतलब कहना चाहिए कि लड़कियां कुछ वेयर कर रही हैं उसके पीछे भी लोग कुछ कुछ कमेंट करते हैं, तो लड़कियों को थोड़ा सा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। यहाँ पर महिला सेफ्टी एक मुद्दा है, एक बात ये सामने आई अंजलि से बात करके, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं ये कहना चाहूंगी ये जो यंग जनरेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में जॉब की थोड़ी कमी है। कई बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर साउथ शिफ्ट करते हैं या इधर शिफ्ट करते हैं पुणे वगैरह, तो मैं चाहूंगी जॉब के लिए ज्यादा। आप वोट डालती हैं? जी बिल्कुल डालती हूँ। क्या नाम है? राखी अग्रवाल है मेरा नाम। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, तो ये एक जो है मेन मुद्दा है, क्योंकि इसके कारण काफी अभी जो है डेथ हो रही है, डेंगू हो, मलेरिया हो, जो भी बीमारियां है उसके कारण। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सफाई का ध्यान दिया जाए, बस तेरा। आप क्या करती हैं? मैं रचना। मुझे मेन एजुकेशन में यहाँ पे काफी लैक लगा कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है जिस उस पे होनी चाहिए लेवल पे, वो लेवल यहाँ नहीं है बिल्कुल। मतलब जो स्टैंडर्ड बच्चों का होता है, जो उनको कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल्स है, वो बिल्कुल भी मतलब निल है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए, प्रॉपर वैसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी उतने अच्छे नहीं है, इलाज के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो वो कम से कम यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी छत्तीसगढ़ की महिलाओं की आवाज जो कि रायपुर से आपने सुनी, और स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर और महिला सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी और उसमें सुधार की गुंजाइश को भी उन्होंने जरूरी बताया। तो रायपुर से सरोज दास के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो रायपुर में जनता की आवाज, उनके मुद्दे आपने सुने। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी राजस्थान की और खास मेहमानों के जरिए समझेंगे इस बार राजस्थान की सियासत को और जो अब कैंडिडेट की सूची आ रही है उनके बीच में विरोधाभास क्या है और विद्रोह क्यों है। ब्रेक के उस पार।